क्या सनी देओल ने खाई कसम, क्या सच में हुई आर्मी ऑफिसर्स की कास्टिंग, क्यों जनता बोली गदर 2 हिट है भाई। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि गदर 2 मूवी की शूटिंग के वक्त जब मेकर्स को ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट नहीं मिल रहे थे, वो भी एक्सपीरियंस जो आर्मी ऑफिसर्स की तरह परफॉर्म कर सके, गदर 2 मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इंदौर फिजिकल अकेडमी वालों से मदद मांगी थी। लेकिन जब अनिल इंदौर फिजिकल अकेडमी गए तो उन्होंने वहाँ के कैप्टन से बात की और कहा कि उन्हें 59 से 70 ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो आर्मी ऑफिसर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। तब क्या था, अनिल को उनके मन के मुताबिक 59 आर्मी ऑफिसर्स दे दिए गए थे। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि अनिल के सेट पर ऑफिसर्स को भेज दिया गया है, अनिल ने जल्द से जल्द मूवी की शूटिंग शुरू कर दी। और शूटिंग के बाद जब ऑफिसर्स से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया कि उन्हें कैसा लगा मूवी में काम करके, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। गदर 2 फिल्म को लेकर इंडिया की ऑडियंस जितनी एक्साइटेड है ना, उतना ही पाकिस्तान वाले परेशान है। पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि चाहे जो भी हो, वो अब सनी देओल की किसी भी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने देंगे। और तो और जब गदर 2 फिल्म के बारे में मेकर्स ने अनाउंसमेंट किया था, तब तो पाकिस्तान वाले पूरी कोशिश में लग गए थे कि गदर 2 फिल्म को पाकिस्तान में बैन करवा दिया जाए। और वहाँ के लोगों ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने ये कहा था कि वो गदर 2 फिल्म को इंडिया के अलावा और किसी भी देश में रिलीज नहीं होने देंगे। इस मामले पर सभी ने जवाब दिया था सिवाय सनी देओल के। लेकिन जब ये बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई तो सनी ने ये कसम खाई कि अब चाहे जो भी हो जाए, ये फिल्म दुनिया के कोने कोने में रिलीज की जाएगी। जिस तरह से बॉलीवुड की कुछ मूवीज को ऑडियंस बॉयकॉट करने की मांग करती रहती है, वहीं दूसरी ओर ऑडियंस आने वाली गदर 2 मूवी के फुल सपोर्ट में है। उससे भी पूछो वो यही कहता नजर आता है कि कोई और फिल्म हिट हो ना हो, गदर 2 फिल्म जरूर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई तो वो उसे इतना सपोर्ट करेंगे और उसकी इतनी एडवर्टीजमेंट करेंगे ना कि फिल्म खुद ब खुद हिट हो जाएगी। यहाँ तक कि अभी से ही लोगों ने मूवी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। देखो वो गदर 2 मूवी के बारे में बातें कर रहा है, यहाँ तक कि एक्टर्स भी मूवी को प्रमोट करने में काफ़ी बिजी हो गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स है गदर 2 फिल्म से रिलेटेड। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा ये हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।